होम्योपैथी की दो पावरफुल रेमेडीज कैमोमिला और सीना के बीच क्या फर्क है, चलिए जानें। सीना का कॉमन नेम है वर्म सीड और इसे बच्चों में वर्म्स की परेशानी के लिए यूज किया जाता है। वहीं कैमोमिला, जिसे मेट्रिकेरिया कैमोमिला भी कहते हैं, ये पेन और एंगर से रिलेटेड इश्यूज के लिए फेमस है। सीना ज्यादातर उन बच्चों के लिए है जिनके बाल डार्क और कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होता है, जबकि इन कैमोमिला चिल्ड्रन हैविंग लाइट ब्राउन हेयर। सीना में एक गाल रेड और दूसरा पेल होता है। कैमोमिला में एक गाल रेड और हॉट होता है, जबकि दूसरा पेल और कोल्ड। सीना बच्चों के लिए कोई एग्जैक्ट टेम्परेचर प्रेफरेंस नहीं होता, वो हॉट या कोल्ड किसी भी तरफ हो सकते हैं। वहीं कैमोमिला हमेशा हॉट नेचर की होती है। सीना में बच्चे वर्म्स की इरिटेशन के कारण रेस्टलेस होते हैं, लेकिन कैरी करने से कोई रिलीफ नहीं मिलता। वहीं कैमोमिला में बच्चे रेस्टलेस रहते हैं, लेकिन कैरी करने से तुरंत शांत हो जाते हैं। सीना के बच्चों में वर्म्स की वजह से रात में कन्वल्शंस होते हैं। Whereas in Camomilla, convulsions of children from nursing after fits of anger in mother, grinding of teeth and tongue is clear in Sina patients. Whereas in Camomilla, toothache garm cheezon se hota hai, jaise coffee ya pregnancy ke dauran, aur tongue yellow rehti hai. Sina remedy ke bacche ko mother's milk se aversion hota hai. Wahi Camomilla remedy ke bacche warm drinks nahi peena chahte. Sina ka diarrhea whitish or watery hota hai. Camomilla ka diarrhea greenish hota hai. सीना में बच्चे वर्म्स के कारण डिस्टर्ब्ड स्लीप एक्सपीरियंस करते हैं। वहीं कैमोमिला में बच्चे स्लीपी होते हैं लेकिन सो नहीं पाते। सीना में एलिमेंट्स ज्यादातर वर्म्स, स्वीट्स या इंडिजेस्टिबल चीजों की वजह से होते हैं। वहीं कैमोमिला में एलिमेंट्स डेंटिशन और कोल्ड की वजह से आते हैं। सीना में बच्चे एब्डोमेन के बल लेटने से आराम पाते हैं। कैमोमिला में वेट और वार्म वेदर से आराम मिलता है। सीना में स्वीट्स, गुस्सा या ओवर ईटिंग से परेशानियां बढ़ जाती हैं। वहीं कैमोमिला में गुस्सा, हीट और ओपन एयर से दिक्कत बढ़ जाती है। सो ये थे मेन डिफरेंसेस बिटवीन सीना एंड कैमोमिला। होम्योपैथी की पावरफुल रेमेडीज को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।